डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12 नीट आईटीजेई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउट नट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउट नट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी यारा के छात्र बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर 2018-21 का जो पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म बीएससी बीकॉम का आया है, बहुत सारे छात्र भर रहे हैं तो प्रिंट नहीं हो रहा है, बहुत सारों का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो कल आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा बता दिया था कि एक नया वेबसाइट है ये, और अभी तक वीकेएसयू का कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आया है, इसलिए आप फॉर्म नहीं भरिए, 1-2 दिन बाद भरिएगा। और एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के कहने पर छात्र रुके हुए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक गजब हाल हुआ है वीकेएसयू का। क्या कहा जाए, परीक्षा विभाग को जानकारी नहीं और भरे जा रहे हैं फॉर्म। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक पार्ट टू सत्र 2018-21 का परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्ट टू का परीक्षा फॉर्म 15 फरवरी से ऑनलाइन भरा जा रहा है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, एक बच्चे का पूरा फॉर्म भर के इस वीडियो में बताए हैं, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक पार्ट टू परीक्षार्थी के पास ये वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट टू के परीक्षार्थी परेशान है और एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय छात्रों का आवाज़ है। इसलिए इसमें आपको फॉर्म का लास्ट डेट भी बताएंगे और एक बच्चे का फॉर्म भी भर के पूरा डिटेल्स में बता देंगे। देखिए आगे कहता है इसमें, 2 दिनों में 2000, देख लिए 2 दिनों में 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर दिया है। लिंक जारी होने के बाद परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इधर हैरान करने वाली बात यह है कि परीक्षा विभाग को फॉर्म भराए जाने की जानकारी नहीं है, जबकि 2 दिनों से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक जारी कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन की तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है, इस कारण परीक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। बताया जाता है कि परीक्षा फॉर्म भरने का निर्देश कुलपति कार्यालय से विगत 13 फरवरी को जारी किया गया था। कुलपति कार्यालय में इस सूचना को परीक्षा विभाग में नहीं भेजकर सीधे कंप्यूटर सेंटर को भेज दिया, जबकि इसकी सूचना मिलने के बाद कंप्यूटर सेंटर से 14 फरवरी से परीक्षा फॉर्म भरने का पोर्टल खोल दिया गया। इधर कई लोगों ने जब परीक्षा नियंत्रक को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। दरअसल परीक्षा विभाग ने कंप्यूटर सेंटर को परीक्षा फॉर्म भरने की तैयारी करने का निर्देश जनवरी के अंतिम सप्ताह में दिया था। कंप्यूटर सेंटर ने इसकी जानकारी पर कुलपति को अवगत करा दिया है। कुलपति इसे अविलंब सहमति देते हुए अग्रसित भी कर दिए हैं। देखिए अब देखिए ये बात क्या हुआ कि जो आपके कुलपति हैं, जो VC हैं, वो कंप्यूटर सेंटर को कह दिए कि फॉर्म भरने के लिए लिंक पोर्टल खोल दीजिए, परीक्षा विभाग को नहीं कहे। इसलिए आप लोग को सूचना अभी तक परीक्षा विभाग जारी नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बाद देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी करने के लिए यहाँ पर हामी भर दिया है। यहाँ पर लिखा है 28 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। इस बाबत परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनवर इमाम ने बताया कि आज मुझे इसकी जानकारी मिली है, इसके बाद अनुमोदन के लिए संचिका VC के पास बढ़ा दी गई है। स्नातक पार्ट 2 सत्र 2018-21 के परीक्षा फॉर्म भरने की औपचारिक अधिसूचना 18 फरवरी को, मतलब आज जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल सूचना, लेकिन ऑफिशियल सूचना से पहले ही आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। इसकी अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 28 फरवरी तक निर्धारित की गई है। अनुमोदन के बाद सभी कॉलेजों को पत्र निर्गत किया गया। देखिए 28 तक, कब तक, 28 तारीख तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, तो आज भर रुक सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल सूचना आज आपका जारी होगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। चलिए कैसे फॉर्म भरना है, अब लगभग फॉर्म सभी छात्र भर रहे हैं, 2000+ स्टूडेंट फॉर्म भर लिए हैं, तो देखिए उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, परीक्षा विभाग ने बताया कि विगत 2 दिनों में जो विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। बताया कि कुछ कॉलेजों को टैग भी किया गया। देखिए जो फॉर्म भर लिए उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, मतलब फॉर्म भरा रहा है, 2000 छात्र फॉर्म भर लिए हैं, बहुत लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इसलिए था क्योंकि नया वेबसाइट है, अभी तक कोई सूचना ऑफिशियल जारी नहीं हुआ था। अब आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना, चलिए स्टेप बाई स्टेप बताते हैं। जो लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है आप साइबर कैफे से भी मदद ले सकते हैं, ऐसे आपको यहाँ पर इतना बता देंगे कि आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। चलिए एक स्टूडेंट का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। 28 तक लास्ट डेट है। अभी हम लोग थोड़ा बिहार बोर्ड में आपके छोटे भाई बहन का मैट्रिक परीक्षा में मदद कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो वीकेएसयू का नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको सोचे कि मॉर्निंग में ही जो अपडेट आया है आप लोग का पार्ट टू का बता दें।
कॉलेज का भी सूचना आने लगा है पार्ट टू फॉर्म के रिगार्डिंग, देख सकते हैं अल हफीज कॉलेज आरा का सूचना है। जैसे जैसे सूचना आएगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप भी के सी ऑफिशियल में जुड़ जाइए। लगभग 16,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, जो भी नोटिस रहता है हम लोग वहां पर डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं, वहां पर सूचना आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए स्नातक पार्ट टू 18-21 में नामांकन ले चुके सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17-2-2021 से अपना परीक्षा फॉर्म का आवेदन कॉलेज परिसर में आकर कर सकते हैं। देखिए जो लोग नहीं भर पा रहे हैं तो कॉलेज में भी जाके भर सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज अपने छात्रों को व्यवस्था दिए हैं कि आप कॉलेज में भर सकते हैं। जो छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म बाहर देखिए बाहर साइबर कैफे से भर चुके हैं, वो सभी दस्तावेज के साथ आकर कॉलेज में नो ड्यूज करा लें, अन्यथा उनका कॉलेज के द्वारा सत्यापन नहीं होगा। देखिए कॉलेज में आपका फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में सत्यापन होगा और कॉलेज में सत्यापन कराने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, इसलिए कॉलेज में आपको सत्यापन जरूर कराना है फॉर्म का। निम्नलिखित दस्तावेज आपका लगेगा, देखिए जो भी आपका सत्यापन होगा उसमें मैट्रिक का अंक पत्र का छाया प्रति, स्नातक खंड वन अंक पत्र या TR लिस्ट का छाया प्रति, स्नातक खंड वन प्रवेश पत्र, नामांकन रसीद, जाति प्रमाण पत्र। जनरल जाति हैं तो नहीं लगेगा, अगर जनरल जाति नहीं है तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो देख सकते हैं स्नातक पार्ट टू का फॉर्म भरने का कवायद तेज हो गया है। सारा जो भी आपका स्नातक पार्ट टू का फॉर्म है उसका जो भी नोटिस है सारा इस वीडियो में बता दिया। चलिए एक बच्चे का फॉर्म भर के आपको दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो छात्र का एडमिशन नहीं हुआ है, जब फॉर्म आपका ये सत्यापन होगा उसी टाइम आप लोग कॉलेज में जाइएगा तो एडमिशन हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी यारा में 2018-21 का BA BSc BCom पार्ट टू एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। इस वीडियो में एक बच्चे का पूरा डिटेल्स में फॉर्म भर के दिखाएंगे, आप यही सिंपल स्टेप को फॉलो करके घर बैठे फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करती है। देख सकते हैं आप लोग का फॉर्म का लिंक जैसे ही खुला आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और घर बैठे जो आपको बता रहे हैं वीडियो में उसको स्टेप को फॉलो करके आप घर बैठे ही फॉर्म को भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए BKC ऑफिशियल। लगभग आपको 16,000 छात्र मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। जो भी सूचना रहता है हम लोग वहां पर डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा और बिहार बोर्ड से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और टाइप करना है BKSU exam.in। क्या टाइप करना है? BKSU exam.in। ये BKSU exam.in नया वेबसाइट बनाया गया है BKSU की तरफ से। तो देखिए आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं BKSU exam.in वेबसाइट खुल गया है और यहां पर जो दिखाई दे रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जो छात्र UG रेगुलर हैं, प्रमोटेड हैं, वो ऊपर वाला पर क्लिक करेंगे और जो छात्र पहले के हैं मतलब पार्ट टू का एग्जाम छोड़ दिए थे फिर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो UG लेफ्ट आउट और एक्स स्टूडेंट कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। तो अभी हम जिनका फॉर्म भर रहे हैं वो UG रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो UG रेगुलर पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप UG रेगुलर पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं तो रोल नंबर और नेम भी डाल के सर्च कर सकते हैं। हम कहेंगे कि आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालिएगा, अगर नहीं है तो रोल नंबर भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम एक बच्चे का यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं 18202 1481। और यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अब चलिए यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर डाल के सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आइएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। जो यहाँ पर चूज दिखाई दे रहा है चूज पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट टाइप, तो ये UG रेगुलर है तो UG रेगुलर यहाँ पर है। डिग्री 2 है तो ये दो आपका अपने से है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है तो चलिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर इनका डाल लेते हैं 18202, उसके बाद इनका 1481 है। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग यहाँ पर डाल दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रोल नंबर डालना है। रोल नंबर मतलब जो आपका पार्ट वन का रोल नंबर है उसको डालना है। तो इनका चलिए यहाँ पर हम लोग रोल नंबर को भी यहाँ पर डाल देते हैं 1080073। एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर का। तो चलिए इनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर सही है और इनका रोल नंबर यहाँ पर सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना है तो ये महाराजा कॉलेज आरा के स्टूडेंट हैं तो हम लोग महाराजा कॉलेज आरा सेलेक्ट कर लिए।
अब चलिए कॉलेज के बाद आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम अपना सेलेक्ट करना है। तो ये बीए ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हम लोग बीए ऑनर्स, इनका बीए इंग्लिश ऑनर्स है, तो बीए ऑनर्स सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चलिए नेम, यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, चलिए इतना डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने नेम, फादर्स नेम और यहाँ पर मदर्स नेम को लिख लिया है। इसको आपको बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में लिखना है। अब चलिए इनका यहाँ से हम लोग डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं। इनका 5/5/2000 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2000 इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से 2000 इनका है, तो 2000 पे चलिए आते हैं। उसके बाद इनका पाँचवा महीना है, मतलब मई है, और 5 तारीख है, तो ये हो गया आपका 5/5/2000। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ईमेल एड्रेस डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग जेंडर डालते हैं, मतलब यहाँ पर से जेंडर सेलेक्ट करना है। मेल वाले मेल पर, फीमेल वाले फीमेल पर करेंगे, तो ये मेल है तो मेल पर हम लोग कर लिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ईमेल एड्रेस और मोबाइल डालते हैं, मोबाइल नंबर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दिया है। चलिए यहाँ से हम लोग मेल सेलेक्ट कर लिए, जेंडर, उसके बाद कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जनरल है तो जनरल कर लिए, BC1 वाले BC1 पर करेंगे, BC2 वाले BC2 पर करेंगे, SC वाले SC पर करेंगे, ST वाले ST पर करेंगे। अब चलिए यहाँ से रिलीजियन, तो ये हिंदू है तो हिंदू वाले हिंदू पर करेंगे, इस्लाम वाले इस्लाम पर, सिख वाले सिख पर, और अदर्स वाले अदर्स पर, तो ये हिंदू है तो हिंदू पर हम लोग टिक कर दिए। अब चलिए अब आगे आना है। अब आपको यहाँ पर करस्पोंडेंस एड्रेस, जो आपका एड्रेस है उसको यहाँ पर, चलिए एड्रेस को यहां पर फिल करते हैं। और आप लोग फॉर्म भरिएगा तो देखिए यहां से आपको इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। देखिए ये आपका डेस्कटॉप मोड में है, डेस्कटॉप साइट में है, तो आप लोग डेस्कटॉप साइट में ही फॉर्म को भरिएगा। अब चलिए यहां पर आपका एड्रेस हम लोग डालते हैं, यहां पर करस्पोंडेंस एड्रेस डालना है, तो चलिए इनका यहां पर एड्रेस हम लोग फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ हम लोग यहाँ पर एड्रेस डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो डालना है, क्या डालना है, फ़ोटो, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है। फ़ोटो जो भी होगा उसको बढ़िया से आप मोबाइल से खींच लीजिएगा और एक सफ़ेद पेपर पर आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। और ये आपका 2 MB तक, कितना तक होना चाहिए, 2 MB तक आपका रहना चाहिए। मतलब इस बार VKSU सहूलियत दिया है छात्रों को, मतलब आप फोटो नॉर्मली खींचिएगा तो 2 MB के कम ही में रहता है, आराम से उसको डाल सकते हैं, सिग्नेचर को भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 MB से ज़्यादा है तो क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप आता है, वहाँ पर जाके उसको 2 MB से कम में फ़ोटो और सिग्नेचर को कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ से इसको आपको कर लेना है। Part 1 का फॉर्म भराया था, या अभी Part 1 19 वाला 22 वाला सत्र का फॉर्म भराया था, तो वहाँ भी आपको बताए थे। तो चलिए हम लोगों ने इनका फ़ोटो को बढ़िया से खींच लिया है, क्लिक कर लिया है, और सिग्नेचर को भी एक वाइट पेपर पर रख लिया है। यहाँ पर चलिए अपलोड कर देते हैं। उसको कम कैसे करना है, तो उसके लिए क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप आता है, चलिए आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए यही आपका क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप है। जो भी फोटो आप क्लिक किए होंगे यहां पर चूज फोटो पर क्लिक करना है, उसके बाद वो आपका गैलरी में होगा, गैलरी से आपको ले लेना है। तो हम लोगों ने देखिए गैलरी से फोटो ले लिया है। अब जितना यहाँ पर आपको करना है आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 MB तक आपका ये मांग रहा है, कितना 2 MB तक मांग रहा है। तो आप अगर MB में करना चाहते हैं, मान लीजिए 1 MB में, तो यहाँ KB है, इसको आप MB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए MB है, MB पर क्लिक कर दीजिए, और मान लीजिए हम इसको 1 MB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये 1 MB यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा आपका ये 1 MB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए जो भी आप फोटो ले रहे हैं उसको 2 MB तक आप रख सकते हैं, तो उसका आप डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कितना का वो फोटो है, और उसके बाद फोटो और सिग्नेचर को आप अपलोड कर दीजिएगा। कैसे कम करना है, कैसे उसको 2 MB से कम में करना है, तो क्यू रिड्यूसर लाइट के ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ने कर लिया है, तो सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चूज फोटो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से आपको फाइल में जाके जो भी आपका फाइल में फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर चलिए अपलोड कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर को भी अपलोड कर देते हैं। अब चलिए ऐसे ही हम लोग यहाँ पर आपका जो आपका सिग्नेचर है उसको चलिए यहाँ पर हम लोग चूज फाइल पर जाके गैलरी में जो हम लोग सफ़ेद पेपर पर सिग्नेचर को फ़ोटो क्लिक किए हुए हैं उसको यहाँ पर चलिए अपलोड कर देते हैं।
तो देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया है। मैक्सिमम साइज 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। इस बार आपको 2 MB तक मौका दिया है VKSU द्वारा। अब चलिए ऑनर्स आपका क्या है यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो इनका ऑनर्स है इंग्लिश। क्या है इनका? इनका इंग्लिश ऑनर्स है। तो यहाँ पर चलिए इंग्लिश कहाँ दिख रहा है, इंग्लिश दिखा यहाँ पर। तो चलिए ऑनर्स में इंग्लिश डाल दिए। सब्सिडरी वन में इनका पोलिटिकल साइंस है। तो सब्सिडरी वन में इनका पोलिटिकल साइंस कहाँ दिख रहा है, चलिए इसको खोजते हैं। तो देखिए ऊपर में ही पॉलिटिकल साइंस था। उसके बाद इनका साइकोलॉजी है सब्सिडरी टू में। साइकोलॉजी कहाँ पर है ये रहा। तो चलिए इनका पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर सब्सिडरी वन, सब्सिडरी टू में साइकोलॉजी, और ऑनर्स में इनका इंग्लिश है, और 100 नंबर का कंपोजिशन इनका है यहाँ पर कंपोजिशन सब्जेक्ट वन में। तो कंपोजिशन सब्जेक्ट वन में इनका क्या है, हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स का। जिनका 50-50 का होगा वो 50-50 वाला सेलेक्ट करेंगे। इनका हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स है, तो हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए यहाँ पर जो सबमिट दिखाई दे रहा है उस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सब आपको दिखने लगेगा जो भी आप फॉर्म भरे हैं। देखिए पूरा डिटेल्स आपका दिख रहा है। अब नीचे आना है और नीचे आपको आना है यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर, आपको ग्रीन वाला पर क्लिक कर देना है। देखिए जनरल का 395 रुपया लग रहा है, OBC का 295 रुपया लग रहा है, और SC ST का आपका लग रहा है 195 रुपया। तो चलिए अब यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। देखिए यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट करना है डेबिट कार्ड से, ATM से, तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। जो लोग UPI, गूगल पे, फोन पे से करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए यहां पर जो आपका डेबिट कार्ड है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको पेमेंट करके अपना जो भी PDF फाइल है उसको, फॉर्म का PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है। आप लोग पेमेंट कीजिएगा तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जो भी आप पेमेंट कीजिएगा तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद आपका PDF फाइल फॉर्म का डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं होगा तो चलिए कैसे उसको रिप्रिंट करना है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए जो आपका VKSU exam.in वेबसाइट है यहाँ पर आपको आना है, और सबसे ऊपर में ही रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है रीप्रिंट रिसिप्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट पर क्लिक करके अपना फॉर्म का रीप्रिंट कर सकते हैं। ऐसे आप पेमेंट कर दीजिएगा तभी आपका उसी टाइम प्रिंट का ऑप्शन आएगा, लेकिन प्रिंट नहीं होगा तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और रिप्रिंट कैसे करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट पर रिप्रिंट कर दीजिएगा। देखिए अभी बहुत लोगों का फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, तो कल ही हम आपको इन्फॉर्म कर दिए थे कि नया वेबसाइट है, परेशान ना होइए, 1-2 दिन बाद भरिएगा। तो इसलिए आप लोग 1-2 दिन बाद भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे आप आज शाम से भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आज शाम तक VKSU इसका ऑफिशियल सूचना भी जारी कर देगा। लास्ट 28 तारीख तक है। आपको हिंदुस्तान पेपर में सबसे पहले ही दिखा दिए हैं कि 28 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।